हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ ग्रुप ट्रांसलोकेशन के बारे में। सो ग्रुप ट्रांसलोकेशन इज़ एन अनादर फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ग्रुप ट्रांसलोकेशन है वो किसकी फॉर्म होती है? दूसरी फॉर्म होती है किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर कोवलेंट मॉडिफिकेशन के द्वारा अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट होता है। ठीक है। सो ग्रुप ट्रांसलोकेशन इज एन अनादर फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड टू कोवलेंट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द मोमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बेसिकली जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर से, यानी कि कोई सब्सटेंस जो है हम आउटसाइड टू इनसाइड लाने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो क्या है? आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ही एक दूसरी फॉर्म होती है जिसको हम ग्रुप ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है। बस इसमें फ़र्क, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ग्रुप ट्रांसलोकेशन में फ़र्क क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन ग्रुप ट्रांसलोकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉस्फोराइलेशन इज द मेन मॉडिफिकेशन अंडरगो बाय ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस। यानी कि जो फॉस्फोराइलेशन है वो एक मेन मॉडिफिकेशन है जिसके द्वारा सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन ए फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनादर। यानी कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करना दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी कि वन फॉस्फेट ट्रांसफर हो जाता है सेकेंड मॉलिक्यूल पे, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड से जॉइन होता है। सो फॉस्फेट बॉन्ड जब भी ब्रेक करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जो कि यूज़ होती है किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? यूज़ होता है। ठीक है। तो इसी तरह ग्रुप ट्रांसलोकेशन को भी क्या बोला गया है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला गया, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और जो यूज़ होती है फॉर दियर रिएक्शन या ट्रांसलोकेशन। फॉस्फेट ग्रुप आर एडिड टू द मॉलिक्यूल विच एंटर द सेल। यानी कि जो मॉलिक्यूल हमारी सेल के अंदर एंटर करने वाला है, मान लो ये हमारी सेल है, बाहर से कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर जो एंटर करने वाला है वो किस तरह मॉडिफाइड होगा? उसके वो क्या लगा के एंटर करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को लगा करके एंटर करेगा। ठीक है। वंस दे क्रॉस द सेल दे आर रिटर्न टू अनमॉडिफाइड फॉर्म। और जैसे ये सेल को क्रॉस कर लेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? अनमॉडिफाइड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। ग्रुप ट्रांसलोकेशन जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के, यहाँ पे दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम दो तरह के ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे, फॉस्फो ट्रांसफीरेज सिस्टम यानी कि PTS सिस्टम और ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकेशन पाथवे यानी कि TAT सिस्टम। ठीक है। दो तरह के आपके बेसिकली ट्रांसलोकेशन सिस्टम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका PTS सिस्टम। PTS सिस्टम यानी कि जिसको हम PEP ग्रुप ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। PTS सिस्टम, PTS की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉस्फो ट्रांसफीरेज सिस्टम। ठीक है। PTS की फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फो ट्रांसफीरेज सिस्टम। तो PTS सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज PEP ग्रुप ट्रांसलोकेशन, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ग्रुप ट्रांसलोकेशन। यानी कि हम PTS सिस्टम को PEP भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम। ठीक है। सो PEP ग्रुप ट्रांसलोकेशन ऑल्सो नोन एज PTS इज ए डिस्टिंक्ट मैथड यूज बाई बैक्टीरिया। यानी कि एक डिस्टिंक मैथड होता है जो कौन यूज़ करते हैं? आपके प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया यूज़ करते हैं शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। शुगर का अपटेक करने के लिए, जहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स क्या है वो क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। इट इज़ नोन टू बी ए मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। ये क्या होता है? मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। ठीक है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दी सिस्टम, जिसके द्वारा क्या होता है? आप शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके। नेक्स्ट है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फॉस्फो ट्रांसफीरेज सिस्टम इज ए गुड एग्जाम्पल फॉर ग्रुप ट्रांसलोकेशन शोन बाय बैक्टीरिया फॉर शुगर अपटेक। यानी कि शुगर अपटेक के लिए जो गुड एग्जाम्पल है ग्रुप ट्रांसलोकेशन का, वो किसमें देखा गया है? बैक्टीरिया के अंदर थ्रू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट सिस्टम या फिर फॉस्फो ट्रांसफीरेज सिस्टम के द्वारा।
बाय दिस सिस्टम शुगर मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, जैसे कि शुगर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर वाइल बीइंग केमिकली मॉडिफाइड, केमिकली मॉडिफाइड होकर के शुगर मॉलिक्यूल बिकम्स फॉस्फोराइलेटेड व्हेन एंटरिंग द सेल, यानी कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड होता है जब वो एंटर करता है सेल के अंदर। द एनर्जी एंड फॉस्फोराइल ग्रुप आर प्रोवाइडेड बाय फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और जो एनर्जी है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कौन प्रोवाइड करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यानी कि पीटीए सिस्टम में एनर्जी कौन देता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो एनर्जी देता है और फॉस्फेट ग्रुप को भी वो ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हो गया, जिसको हम इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ग्रुप ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सोल रोजनमन कडिंग एंड गोस ने की थी 1964 के अंदर ईकोलाई में। और बेसिकली इसके अंदर जो ग्रुप ट्रांसपोर्ट है ट्रांसफॉर्म्ड होता है वो क्या है आपका, ग्लूकोज है। टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है ऐड होकर के जो सब्सटेंस जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, एंट्री लेता है किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, सोर्स क्या है इसमें फॉस्फेट ग्रुप का, वो क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। कंपोनेंट जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हमने बात की थी कि बहुत सारे एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं साइटोप्लाज्म में वो क्या है आपके, ई एंजाइम 1, एंजाइम 2A, एंजाइम 2B, HPR, जिसको हम हीट स्टेबल हिस्टिडीन प्रोटीन भी बोलते हैं। इसके साथ एंजाइम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एंजाइम होता है वो क्या है, 2C, ठीक है, सेकेंड सी। ये जो सेकेंड सी है ये क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम होता है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है आपका, ट्रांस मेम्ब्रेन, क्या है ये, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम, ठीक है, जो कहाँ मिलता है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, क्लियर इतनी चीज। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें कुछ तरह का कौन सा है टाइप है ट्रांसपोर्ट का, ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, एक एनर्जी कपल्ड मैकेनिज्म को यूज़ करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में किस तरह से बेसिकली मैकेनिज्म होता है, या किस तरह से जो है आपका ग्लूकोज का बाहर से, ये सेल के बाहर है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर। ठीक है, ये क्या है, आउटसाइड है, ये क्या है, इनसाइड है। तो किस तरह से ग्लूकोज जो है ट्रांसपोर्ट होता है आपकी सेल के अंदर, ये चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो सबसे ईकोलाई के अंदर देखना है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप देता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम वन जो है, जो बेसिकली एंजाइम वन है, उसको क्या प्रोवाइड कर देगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कर देगा, और ये एंजाइम वन जो है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा किस पे, HPR पे। HPR क्या बताया था मैंने, हिस्टिडीन प्रोटीन। ठीक है, HPR क्या होता है, हिस्टिडीन प्रोटीन, जो कि एक ही स्टेबल प्रोटीन होता है, और ये जो HPR है ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है ई सेकेंड ए के ऊपर। ठीक है, तो ई सेकेंड ए भी क्या है आपका, बेसिकली ये क्या कर, ये भी क्या है, एक तरह का एंजाइम है जो ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, और ये जो एंजाइम 2A है ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम 2B पे। ठीक है, ये जो एंजाइम 2B है ये किसके साथ अटैच होता है, ये एंजाइम 2C के साथ अटैच होता है। ठीक है, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम सेकेंड सी के साथ कौन अटैच होता है आपका, एंजाइम 2B। ठीक है, तो ये जो एंजाइम 2B है ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को अपने, मतलब जो फॉस्फेट, जो एंजाइम 2A है किसको ट्रांसफ़र कर देता है, फॉस्फेट एंजाइम 2B को। तो जैसे ही एंजाइम 2B के ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप आता है, जैसे ही एंजाइम 2B के ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप आता है, तो ये जो एंजाइम सेकेंड सी है इसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जो इसकी ये शेप है इसके अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, और मॉडिफिकेशन के द्वारा जो बाहर से ये जो आपका ग्लूकोज है, ये बाहर से जो ग्लूकोज है ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है फॉस्फेट लगा करके। ठीक है, यानी कि एंजाइम 2C जो है, ये एंजाइम 2C है ये क्या, एक ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम है जो किसके साथ अटैच रहता है, एंजाइम 2B के साथ अटैच रहता है, और ये क्रॉस करने में मदद करता है
ग्लूकोज को क्रॉस करने में मदद करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये जो ये क्या है आपकी, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इससे यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में जो आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो क्या है, एंजाइम 2C, ठीक है, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद ये जो एंजाइम 2B है ये उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देता है, और हम जो ये ग्लूकोज है ये कहाँ कन यहाँ कहाँ जाता है, हमारी सेल के अंदर आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की फॉर्म में मॉडिफाइड होके सेल के अंदर आ जाता है, इसलिए ग्रुप ट्रांसलोकेशन में आपका मॉडिफिकेशन देखने के लिए भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये एंजाइम्स अटैच होंगे, ये जो एंजाइम 2C है ये क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के फॉर्म में सेल के अंदर भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरा आपका बेसिकली मैकेनिज्म है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या पीटीएस सिस्टम का, ठीक है। इसी तरह से बैसिलस सबटिलिस के अंदर भी है, इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या, एंजाइम 1 और HPR, यहीं से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुवेट रिलीज करेगा, और HPR फॉस्फेट को इन्वॉल्व कहाँ लगा देगा, किसके पास ट्रांसफ़र कर देगा, एंजाइम सेकेंड ए के ऊपर। और ये जो तीनों है यहाँ पे क्या है, ये डाइमेरिक फॉर्म में, यहाँ पे क्या है ट्राइमेरिक फॉर्म में तीनों एंजाइम्स एक साथ काम करते हैं, एंजाइम 2A, एंजाइम 2B और एंजाइम्स 2C, ठीक है। तो सी का काम क्या है, मॉडिफिकेशन करके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना एंजाइम 2B के पास, और ये एंजाइम 2B क्या करता है, उस पर फॉस्फेट लगा के उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की फॉर्म में क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बेसिकली मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, कि किस तरह से जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या बेसिकली हम कहें पीटीएस सिस्टम किस तरह से इन्वॉल्व होता है शुगर के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। आगे इतनी चीज़ समझ में, ओके। और ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के फॉर्म में क्यों आता है, ये बेसिकली बेनिफिट क्या है ग्लूकोज का, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करने में बेनिफिट क्या है। देखो बेनिफिट बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने में, दैट इट विल नॉट लीक आउट ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड ए वन वे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है, वन वे कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है ग्लूकोज को, यानी कि एक तरफ का रास्ता प्रोवाइड करता है ग्लूकोज को, और ग्लूकोज जिस वजह से बाहर ना निकल पाए, लीक आउट ना हो जाए, इसलिए वो मॉडिफाइड करके भेजता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। यानी कि रास्ता तो ग्लूकोज के लिए खोला था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया इसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, एक तरह के एंजाइम्स को ही वो ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने वन वे रास्ता ये खोल देते हैं, इस वजह से क्या होता है, वन वे होने की वजह से सिर्फ ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और फिर जब इनको ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज के अंदर, और जो भी इनका एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी का जनरेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्रेंस कहाँ होती है, बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, लेस कॉमन होते हैं आर्चे के अंदर, लेकिन अब्सेंट होते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर, ये जो ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो गए, इकोलाई, सेलमोनेला, एंट्रियाकी, बैसिलस सबटिलिस, यानी कि जितने भी तरह के आपके बैक्टीरिया हैं उनके अंदर कौन सा ट्रांसलोकेशन देखने के लिए मिलता है शुगर के लिए, वो क्या है, ग्रुप ट्रांसलोकेशन, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका टैट सिस्टम को, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाई इज़ ग्रुप ट्रांसलोकेशन इम्पोर्टेंट, कि ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत सारी शुगर का, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनिटोल, लैक्टोज, सेलुलोज, साइटोबायोस, इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि शुगर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, पीटीएस सिस्टम के एंजाइम्स को इन्वॉल्व करते हैं, और पीटीएस सिस्टम ही हमारा काम आता है ट्रांसलोकेशन के लिए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्बन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू शुगर अवेलेबिलिटी, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है, ग्रुप ट्रांसलोकेशन की वजह से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि ग्रुप ट्रांसलोकेशन ही इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स, ठीक है।
और ये एक्ट करता है कीमो रिसेप्टर सिस्टम के अंदर, जो कि बैक्टीरिया ट्रांसलोकेशन के अंदर होता है, और मोटिलिटी टुवर्ड द शुगर कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें मोटिलिटी दिखाई देती है शुगर कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। और ये हेल्प करता है रेगुलेशन करने में अदर नॉन पीटीएस एंजाइम्स के भी रेगुलेशन, यानी कि जो दूसरे नॉन पीटीएस एंजाइम हैं उनके रेगुलेशन में भी हेल्प करता है कौन, ग्रुप ट्रांसलोकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये तो कुछ आपके पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू कि ये ग्रुप ट्रांसलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में ऐड करना चाहते हो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो खुद से भी आप 2-4 पॉइंट लिख सकते हो कि इसकी वजह से शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेगुलेशन होता है कार्बन मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका टेट सिस्टम। तो चलिए मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।